गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी वारदात सामने आई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। करीब 30 से ज्यादा धर्मांतरित परिवारों का आरोप है कि गांव के लोगों ने उनकी पिटाई की है। महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा है। धर्मांतरित परिवार का आरोप है कि बेवजह उनकी पिटाई की गई है। इसी के विरोध में जिले के अलग अलग अंदरूनी गाँव के 300 से ज्यादा लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे। दरअसल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे धर्मांतरित परिवारों के सदस्यों का कहना है कि अलग अलग गाँव गोरापाल समेत अन्य गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, जिसमें कई ग्रामीणों की पिटाई, दरवाजे तोड़ने की कोशिशें, घायल महिला पुरुष समेत अन्य अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। जैसे जैसे इस बात की खबर आसपास के गांव में धर्मांतरित परिवारों को मिली है, वे भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठी महिलाओं का आरोप है कि गांव की महिलाओं की भी पिटाई की गई है। जिन्होंने पीटा उनमें से कुछ लोग शराब के नशे में चूर थे। महिलाओं बच्चों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। घर के सामान बाहर फेंक दिए गए हैं। महिलाओं ने कहा है कि जिनकी पिटाई की गई है उनमें से करीब 10 से 12 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल ग्रामीणों की पिटाई के संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रविवार को इन लोगों ने पूरे दिन प्रदर्शन किया था, बाद में शांत कराकर उन्हें वापस भेज दिया गया है। इधर इस मामले में सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। पिटाई की बात सामने आई है, यदि यही सही है तो ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। आपस में बातचीत कर समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पिटाई के संबंध में गाँव वालों से जानकारी जुटा रहे हैं। नारायणपुर SSP हेमसागर सिदार ने कहा कि दो पक्षों में विवाद हुआ था। मारपीट के मामलों में 4 से 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।